हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल से बेबी बूटीज़। देखिए ये जो मेरा एक बनके तैयार हो चुका है, अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी कि ये कैसे बनता है। ये जो मैंने जो क्रोशे से बनाया है ये वाला सेट, इसके साथ के लिए है जो मैं 3 to 6 month बेबी के लिए है जो मैं ये बना रही हूँ बेबी बूट्स। और देखिए कितना प्यारा बन के आया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने है जो चेन लेनी है 10। देखिए इसका साइज कितना प्यारा आया, सुंदर बन के आया है। तो इसको है जो बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 10 चेन लेनी है इस तरह से। देखिए ये जो गांठ लगा दी, अब हमने हल्के हाथ से, बहुत लूज नहीं बहुत टाइट नहीं है, 10 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 चेन लेने के बाद अब हमने 3 चेन लेनी है और 1 2 3, ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया। अब हमने जो 10वीं चेन थी उसमें है जो इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये जो मेरी मोटी वूल है, बहुत बारीक वूल नहीं है, इसमें है जो ये बूट बन के बहुत अच्छा आता है। इस तरह से है जो पूरी लाइन में हमने, नहीं सॉरी, ये जो हमने बनाया है पहला डबल क्रोशिया इस तरह से। अब है जो हमने इसी पे में से 5 times, और पहले ये जो 3 चेन ली और जो 10वीं चेन थी उसमें जो एक डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। अब है जो इसी में से हमने 5 times डबल क्रोशिया इसी में ही बनाना है, जैसे 1 2 3 4 और ये 1 5, और जो एक हमने 3 चेन ली थी वो हो गया हमारा 6। तो इस तरह से है जो ये 6 times हमने डबल क्रोशिया बनाया। देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 6 बार है जो हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब जितनी चेन बची है उसमें है जो हमने, अब 8 चेन बची है, हमें डबल क्रोशिया बनाना है, सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब जो लास्ट चेन में हमने है जो हमने 6 times डबल क्रोशिया एक ही जगह से बनाना है, जैसे हमने शुरू में बनाया उसी तरह से है जो हमने इधर भी 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया 6 times डबल क्रोशिया। अब हमने जो यहीं से है जो आगे को जाना, इस तरह से वापस नहीं मुड़ना हमने, इस तरह से हमने आगे को, ये हो गया हमारा 6 times डबल क्रोशिया। अब है जो हमने हर इसके ऊपर से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे इधर से बनाया है वैसे ही हमने इस तरह से 8 times डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से ये जो हमारे जो ये बूट का तला है, देखिए इस तरह से जो हमारा ये बन के तैयार हो रहा है इस तरह से। देखिए ये आप थोड़ी मोटी वूल में बनाइए, ताकि है जो ये शूज़ बहुत अच्छा आता है। ये रफ सी वूल है मेरे पास, मतलब बहुत पतली वूल नहीं है, बहुत मोटी वूल भी नहीं है। तो इसमें जब हम बूट बनाते हैं बच्चों का, तो ये देखिए कितना अच्छे से आता है, इसमें कोई अंदर से कोई कॉटन या कोई मैंने कुछ नहीं भरा, फिर भी बहुत प्यारा लगता है ये पहन के भी। तो ये 5-6 months तक आराम से बच्चों को आ जाता है। आप सॉक्स के साथ भी इसको बना सकते हैं, या वैसे भी इसको बना सकते हैं। देखिए 8 हो गए। अब जब हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको इसमें जोड़ना है, इस वाले फंदे पे, इसकी तीसरी चेन में, 1 2 3 तीसरी चेन में हमने स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से जोड़ देना है। देखिए ये जुड़ गया। अब है जो हमने 1 chain आगे करके, अब हमने 3 chain लेनी है, 1 2 3, ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया। अब क्या करना है कि हमने, देखिए ये 6 times बनाए थे डबल क्रोशिया, अब हमने हर डबल क्रोशिया के बीच में है जो 2 2 डबल क्रोशिया बनाने, यानी कि 5 times हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही होल, जैसे 1
दो, तीन, चार, चार और ये एक पांच। देखिए मैंने 5 टाइम है जो 5 दूनी 10, यहाँ हो गए 5 के 10 डबल क्रोशिया हमारे ये हो गए। अब हमने हर डबल क्रोशिया में से एक एक बार डबल क्रोशिया फिर बनाना है आगे यहाँ तक। फिर हमने सेम यही पैटर्न आगे रिपीट करना है। यहाँ पे भी है जो 5 के बाद 10 हमें डबल क्रोशिया करने हैं। एक होल में से हमने दो दो बार यानी कि एक ही होल से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है 10 टाइम। तो एक बार हमारे हमने 6 बनाए थे, 6 के बाद है जो हमने 10 बनाए और 10 के बाद है जो नेक्स्ट लाइन में हम बनाएंगे 14। तो हमारा है जो इसका जो नीचे का बेस है बुट्टू का वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। अब हमने हर यहाँ से दो दो बार एक ही जगह से डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। बहुत ही इजी बुट्टू है, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगा कोई 15-20 मिनट में। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। देखिए देखिए हो गया 3 टाइम, 1 2 3 6 बार, 3 बार 4 बार और ये 5 बार, 5 बार डबल क्रोशिया। और अब हमने जो सिंपल क्रोशिया से हमने यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ पहुँच के फिर मैं आगे आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। ये देखिए मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ सिलाई के एंड में। तो हमने ये अब स्लिप स्टिच से यहाँ पे इस तरह से इसको अटैच कर लेना। देखिए अब हमने ये यहाँ से हमने है जो इसको आगे इस वाली घर में ले जाना। तो आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से जो इसको यहाँ तक ऐसे ले जा सकते हैं। अब आपने 3 चेन लेनी है, 1 2 3, ये हो गया 1 टाइम। अब हमने फिर है जो डबल क्रोशिया बनाना है हर उस 7 बार। पहले बनाया हमने 5 बार, अब हमने है जो 2 4 6 8 10, अब हमारे 14 घर हो जाएंगे। हर होल में से हमने 7 बार अब डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से आप बनाते हुए यहाँ तक पहुँच जाइए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ फिर हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स अब मैं इस सिलाई की एंड में आ चुकी हूँ। और एंड में आने के बाद अब हमने स्लिप स्टिच से इसको ये देखिए इसमें जोड़ देना इस तरह से। ये देखिए अब क्या करना हमने कि देखिए ये हमारा बेस जो है बन चुका है। अब हमने यहाँ पे 1 2 3 चेन लेके ऐसे सॉरी यहाँ पे हमने ये स्लिप स्टिच से जोड़ के अब हमने यहाँ से ऐसे फ्रंट पोस्ट बोलते हैं इसको इस तरह से हमने है जो ये ऐसे बनाना है ऐसे डबल क्रोशिया। अब हमने यहाँ से नहीं ऐसे को मुड़ना है और इस तरह से इधर से बनाते हुए जाना ए ऐसे को राउंड में। इसको बोलते हैं बैक पोस्ट यानी कि इस तरह से पीछे की तरफ से ऐसे क्रोशिया डाल के इस तरह से हमें है जो ये राउंड कंप्लीट करना है। ऐसे जितने भी हमारे डबल क्रोशिया है हर डबल क्रोशिया में से हमने पिछली तरफ से देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ पीछे से इस तरह से ऐसे और ये ऐसे ऐसे इस तरह से बुनते हुए हमने पूरी सिलाई ये कंप्लीट करनी है इसी तरह से। ये अब हमने इसमें कोई घर नहीं बढ़ाने हैं, कहीं पे कोई डबल नहीं बनाना है, बस इसी तरह से है जो ये राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो यहाँ से मैं बुन के यहाँ आती हूँ फिर मैं आपके आगे बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आ चुकी हूँ इस सिलाई की एंड में और अब हमने जो इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे ऐसे जोड़ देना है। देखिए इस तरह से देखिए ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने है जो इसको ये बनाना शुरू करना है इस तरह से ये
ये देखिए फ्रंट और बैक पोस्ट से हमने ये बनाना है यहाँ तक, और यहाँ फिर हमने है जो ये बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले है जो यहाँ पे आप 10 बार है जो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बना लीजिए। फिर सेंटर में जो मैं आगे बताती हूँ हमें क्या करना है। सबसे पहले है जो ये वाला इस तरह से एक बार फ्रंट पोस्ट, फिर है जो एक बार बैक पोस्ट इस तरह से, पीछे की तरफ को बोलते हैं बैक पोस्ट। इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया 2 बार, और ये फ्रंट पोस्ट, ये 3 बार, और ये पीछे से इस तरह से हमने बनाते हुए आगे जाना है। देखिए और ये देखिए इसी तरह से बनाते हुए हमने है जो इसका ऊपर का पोर्शन हमें तैयार करना है इस तरह से। ये हमें कितना बनाना है ये इसका पता कैसे चलेगा कि हमें कितना बनाना है ये, कि जो हमने सेंटर से है जो जब हम सेंटर हम इसका निकालेंगे, आप मैं यहाँ मार्कर भी लगा सकते हैं, जैसे ये है इसका सेंटर। देखिए हमने इसका सेंटर जो है ये इसका सेंटर, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या जो हमने ये बनाया ये इसके सेंटर, 4 चेन हमने, 4 घर हमने ये रखने, और 8 घर हमने, 8 घर तक है जो हमने इसको ऐसे ही फ्रंट और बैक पोस्ट से हमें बनाते हुए जाना है। इधर ये देखिए यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 घर है जो हमने बना लिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है कि ये 2 को, ये जो 2 घर है इसके हमने फ्रंट पोस्ट से इस तरह से बनाते हुए जाना है ऐसे। ये एक बार ये 2 घर घट गए, अब बैक पोस्ट से 2 इस तरह से, ये देखिए। अब क्या करना है कि अब हमने इसके सेंटर में ये वाला जो पोर्शन इसका सेंटर, अब हमने सेंटर से 8 बार है जो डबल क्रोशिया बनाना है इसके सेंटर से। ये हमने 4 घर यहाँ से ड्रॉप कर देने इस तरह से, ये देखिए इस तरह से 8 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, हमने 8 बार है जो डबल क्रोशिया बनाया सेंटर में। अब हमने सेम यही प्रोसेस हमें दोहराना है, जैसे ये फ्रंट पोस्ट से फिर हमने ये 4 घर छोड़ने, 2, 2, 4 घर छोड़े, और फिर है जो ये फ्रंट पोस्ट से 2, 2 का एक किया इस तरह से, और फ्रंट पोस्ट से ही बैक पोस्ट से हमने फिर 2 का एक किया, देखिए ऐसे ये घट गया, ये देखिए इस तरह से। जैसे हमने यहाँ किया वैसे ही हमने है जो उधर भी किया, बाकी है जो फ्रंट और बैक पोस्ट से बनाते हुए हमें जाना। जैसे ये बैक हो गया तो अब हमने सारे घर इसी तरह से, ये फ्रंट पोस्ट और ये बैक पोस्ट, इस तरह से हमने पूरी सिलाई ये कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से, ऐसे और ऐसे। देखिए ये मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं इस सिलाई की एंड में आ चुकी हूँ, ये बैक पोस्ट से बुना, अब हमने जो यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ऐसे अटैच कर देना है, ये देखिए। अब हम नेक्स्ट राउंड में आ गए हैं, नेक्स्ट राउंड भी हमें सेम इसी तरह से बनाते हुए जाना है। जो फर्स्ट जैसे फ्रंट पोस्ट है ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है, और जो बैक पोस्ट है वो हमने बैक पोस्ट ही बनाना है इस तरह से, आगे की तरफ से, और पीछे की तरफ से हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और ये है जो आगे हमने सेंटर में सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस हमें दोबारा से दोहराना है, यानी कि 2 के 1 करने हैं, 2 के 1 करने हैं दोनों तरफ से, तो हमारा जो है ये आगे का पोर्शन इस बुट्टू का बन जाएगा इस तरह से, ऐसे और ऐसे। ये हमें कितना बनाना है देखिए, यहाँ से हमने 4 घर, 2 और 2, 4 ये घर है जो हमने ये उठाना है यहाँ से डायरेक्ट, और 2 और 2, 4 घर का हमने है जो यहाँ पे ये घटाना। देखिए अब ये कंप्लीट हो चुका है, मेरे 4 घर हो चुके हैं, तो अब हमने जो बैक पोस्ट हुआ, अब हमारा फ्रंट पोस्ट में 2 को 1 करना है इस तरह से, ऐसे, और बैक पोस्ट से 2 फिर एक बार ऐसे,
और अब देखिए हमने ये चार, एक दो तीन चार छोड़ के अब हमने इसके सेंटर में एक दो तीन चार, चार के सेंटर में फिर हमने है जो एट टाइम डबल क्रोशिया बनाना है इधर से ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक नौ, फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे हमने दो का, यहाँ पे है जो हमने एक दो तीन चार घर छोड़ के अब हमने यहाँ पे दो का एक करना जैसे हमने इधर किया है। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आगे आपको बताती हूँ ये कैसे हमें करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं ये सिलाई, अब है जो हमें स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ दूँगी ऐसे। देखिए अब हमने एक राउंड और कंप्लीट करना है। देखिए मैंने थ्री टाइम किया इधर, वन टू थ्री, टू टाइम हो गया, अब थ्री टाइम एक बार हमने और यहाँ पे करना है। तो क्या करना है कि सबसे पहले ये फ्रंट पोस्ट और ये बैक पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट और ये बैक पोस्ट, ये हमारा हो गया फोर टाइम। अब क्या हमने दो और दो चार, फिर हमने सेम उसी तरह से ये देखिए दो का एक कर दिया फ्रंट पोस्ट से और दो का एक कर दिया हमने बैक पोस्ट से। देखिए अब क्या करना है कि अब हमें है जो आठ है जो एक ही घर सेंटर से यहाँ से डबल क्रोशिया बनाने एट टाइम्स। देखिए एक दो तीन चार, ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ सेम इसी तरह से, फिर मैं जब मैं यहाँ वापिस आती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये आ चुकी मैं एंड में, और एंड में है जो मेरा ये बुट भी बन के तैयार हो चुका है। देखिए ये इसको स्लिप स्टिच से मैं ऐसे जोड़ दूँगी, देखिए ये हो चुका कंप्लीट। अब है जो मैं इसको बीड से या किसी और चीज़ से डेकोरेट करूँगी, डेकोरेशन के बाद फिर मैं आके आपको बताऊँगी कि ये जो कैसे है जो बन के बिल्कुल तैयार हुआ है कैसे लगा। तो कैसे लगा आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके। देखिए